हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में कुछ अपने सामने एक शानदार सा ट्रैक्टर रहने वाला है जो कि सोनालिका कंपनी की तरफ से रहने वाला है। जो ये वाला मॉडल खड़ा आपके सामने टाइगर मॉडल, ये लेटेस्ट अभी इसको लॉन्च हुए सिर्फ 5 महीने हुए। ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा रहा है बाजार में, किसान भाई काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है इस ट्रैक्टर को लेने के लिए, क्योंकि कंपनी ने कुछ इतने शानदार से फीचर्स ट्रैक्टर में जोड़े हैं जो कि जो पुराने ट्रैक्टर आते थे उनमें आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। तो अपन पूरी बात करेंगे इस वीडियो में ट्रैक्टर के बारे में कि क्या फीचर्स रहने वाला है, क्या इसको कीमत पे आपको ट्रैक्टर मिलेगा, क्या 2024 में आपके लिए क्या ट्रैक्टर वैल्यू फॉर मनी होने वाला है या नहीं। तो वीडियो में बने रहें। तो हम बात करते हैं ट्रैक्टर के सामने से। तो आपको ट्रैक्टर की लुकिंग दिख रही होगी जो कि थोड़ा ब्लू कलर में ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। कलर की जो इसकी क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। इधर साइड में आपको मिलती है सोनालिका की बैजिंग जो कि क्रोम फिनिशिंग में देखने को मिलने वाली है। सामने आपको एक जाली मिलेगी जो कि अंदर कचरा वगैरह ना जाए उसके लिए सुरक्षा को देख के लगाया गया है। सामने बात कर रहे थे, यहाँ पर इसका मॉडल दिया गया जो कि टाइगर मॉडल है। दोनों तरफ आपको इसकी जो है प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलेगी। लाइट की जो कैपेसिटी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है, दमदार लाइट मिलेगी। नॉर्मल ट्रैक्टर में आपको सिर्फ 2 लाइटें मिलती है, यहाँ पर आपको 4 लाइटें देखने को मिलेगी। बात कर रहे हैं सामने ट्रैक्टर के बम्पर की, तो एक बड़ा सा 65 किलो का बम्पर आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा वजन में रहता है, ट्रैक्टर आगे से ना उठे उसके लिए इसमें फायदेमंद रहने वाला है। टायर की बात करें, इसमें आपको मिलने वाले हैं अपोलो के शानदार से टायर, 7/50/16 का आगे वाला टायर रहने वाला है, और जो पीछे वाला टायर है वो वाला रहने वाला है 14/9/28 का टायर। टायर भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहने वाला है, अपोलो कंपनी की तरफ से टायर होने वाले हैं। तो भैया खड़े हैं यहाँ पर, तो हम इनसे पूछेंगे कि ट्रैक्टर में क्या क्या परिवर्तन वगैरह चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले। तो भैया जी, जो पहले सोनालिका के ट्रैक्टर आते थे तो टाइगर मॉडल में, इससे पहले कौन सा मॉडल था या फिर इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं आपके हिसाब से, हल्का फुल्का बताइए। कंपनी ने आधुनिक भारत को सुविधाओं को देखते हुए, पहले हमारी कंपनी ने 98 से लेकर 2023 तक सिकंदर मॉडल चलाती थी, उसमें RX भी आते थे। RX मॉडल को कंपनी ने अभी अपडेट किया है जिसको टाइगर सीरीज में लॉन्च किया है। इसमें सबसे बड़ा खास बात ये है किसान भाइयों के लिए कि जो हमारा RX मॉडल आता था उसमें सर्विस का सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, उसमें किसान भाइयों को 250 घंटे में सर्विस आती थी, इसमें किसान भाइयों को 500 घंटे में सर्विस आती है। इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा किसान भाइयों को, अगर 2 सर्विस कराएगा तो RX मॉडल में 8,000 लगते थे और इसमें 4,000 ही लगेंगे। तो सर्विस कम पैसे में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है किसान भाइयों का। तो ये ट्रैक्टर डीजल पे कितना एवरेज देता है फिलहाल में, खेती बाड़ी में चला है? मॉडल को कंपनी ने जो इसमें अपडेटेड किए हैं, इसमें इंजन सीसी शानदार है। इसमें हमारा जो 1 घंटे में फ्यूल कंजप्शन है हमारा उसमें 3 लीटर है, उसमें करीब 3.5 लीटर आता था। अच्छा, पहले के मुकाबले डीजल जो खपत है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा की हुई है। मुकाबले में कंपनी ने इसकी स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, हर चीज़ को चेंज किया। उसमें जो RX मॉडल में आता था सेम HP में, ये हमारा जो 50 कैटेगरी का ट्रैक्टर है उसमें भी 50 कैटेगरी का आता था, उसमें इंजन सीसी सेम आती थी 3,065 CC, लेकिन कंपनी ने इसमें एक स्पेशल चीज़ दिया है पीपर गैप। उसमें एक फ़ायदा मिलता है कस्टमरों को, चाहे धान की बोनी करनी हो, प्याज की बोनी करनी हो, उसमें कस्टमर को डीजल की बचत होती है और जो स्पीड चाहिए होता है वो स्पीड टाइगर मॉडल ही देता था, RX मॉडल नहीं देता था। और कंपनी में इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है कंपनी ने इसको बढ़ा के 2,000 kg कर दिया है, पहले के मॉडल में 1,800 kg आता था। और कंपनी में सबसे शानदार इसका जो लुक है, उसमें पहले जो कलर आते थे वो प्रिंटेड आते थे, इसमें रोबोटिक कलर कंपनी ने यूरोप मॉडल लिया है, ये यूरोप से डिज़ाइन ली गई है, कंपनी ने इसमें रोबोटिक कलर करके दिया है कंपनी ने। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसका जो टॉर्क है 210 Nm का है, उसमें हमको टॉर्क 180 Nm का ही मिल पा रहा था। इसमें किसान भाइयों को क्या है, कहीं भी अगर वैसे जैसे क्ले होता है सॉइल या गीली सॉइल होती थी वहाँ ट्रैक्टर फंसता था, तो इसमें एक फंसने की भी समस्या हमारी दूर हुई, कंपनी ने इसमें टॉर्क बढ़ाकर ये चीज़ दूर की। ट्रैक्टर में आपको शानदार सी 5 साल की वारंटी भी देखने को मिलने वाली है। तो बात करें हम ट्रैक्टर के पीछे की साइड की, तो यहाँ पर एक लाइट दी गई जो किसान भाई रात में काम करते हैं उसकी सुरक्षा को देखते हुए दिया गया है। दोनों साइड आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगी। लाइट जो है वो LED रहने वाली है, आप इसे आसानी से ऊपर नीचे सब तरफ घुमा सकते हैं। यहाँ पर मिलेंगे 2 आपको जो पल्टी प्लो आप लगाते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर पंप दिए गए 2। उसके अलावा बात करें लिफ्ट कैपेसिटी की, तो होने वाली है तकरीबन 2000 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है रिवर्स PTO के साथ मल्टी स्पीड PTO भी इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर देखेंगे इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया जो कि मशीन में आप लगा सकते हैं पीछे की साइड में, रात में काम करें उसके लिए। तो हम बात करते हैं मेन जो ट्रैक्टर का इंजन है उसकी,
तो मैं भैया को बुला लेता हूँ, आपको इंजन के बारे में सब कुछ बता देंगे क्या क्या आपको इसमें फायदेमंद होने वाला है। तो इंजन जो खोलने की सुविधा है वो आपको यहाँ साइड में वगैरह कहीं देखने को नहीं मिलने वाली। सामने की तरफ से एक शानदार सा बटन दिया गया है, किसान भाई जब इसको दबाएंगे तो ये आसान तरीके से इंजन खुल जाएगा, जो कि एकदम फुल्ली आपको देख सकते हैं, कोई आपको उठाने की ज़्यादा इसमें जोर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी, फुल्ली ऑटोमेटिक आपको इसमें जो इसका बोनट खोलने का सिस्टम है वो रहने वाला है। तो इनसे जानते हैं ट्रैक्टर में जो इंजन में है वो कुछ क्या खास रहने वाला है। जो इंजन सीसी मिलेगी किसान भाइयों को वो 3065 सीसी की मिलेगी, और ये जो हमारे सिलेंडर है 3 सिलेंडर का इंजन आएगा, और इसमें एक वाटर सेपरेटर भी कंपनी ने लगा के दिया है। इसका फ़ायदा ये है किसान भाइयों को, किसी भी पेट्रोल पंप से डलाएंगे तो उसमें वाटर क्या ऑटोमेटिकली पार्सल ही हो जाता है। इसमें एक हैवी ड्यूटी का डीजल फिल्टर भी मिलेगा किसान भाइयों को, जो 500 घंटे में चेंज होता है। जो पहले के टाइम में RX मॉडल में आता था उसमें डबल डीजल फिल्टर आते थे, ये हमारा कंपनी ने एक सुविधाजनक के लिए किसान भाइयों को पैसा बचत के लिए एक ही दिया है जो 500 घंटे में चेंज होता है। सबसे बड़ी बात किसान भाइयों को, जो दूसरे ट्रैक्टर में आता था पहले, इसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल अलग से दे रखा कंपनी ने, इसमें कभी प्रॉब्लम आए उसके सोल्यूशन के लिए ऑलरेडी पहले से दे रखा। इसमें अपना लुब्रिकेंट ऑयल कंपनी ने दे रखा, रेडिएटर गर्म हो उसके लिए कंपनी ने सुविधा के लिए दे रखा है। इसमें अपन ने, इसमें जो सबसे कंफर्ट वाली चीज़ है बैटरी आगे कंपनी ने दे रखा है। इसमें क्या कस्टमर भाइयों को आसानी से, पहले साइड में देता था RX मॉडल में, इसमें आगे कंपनी ने दे रखा है। और इसका जो बम्पर है 65 kg का बम्पर है हैवी ड्यूटी का, साथ में डबल फिटेड दिया है, दोनों का वेट मिला के 100 kg है कंपनी ने जो दे रखा। इसमें जो अपना सेंसिंग पॉइंट है, इसमें कार जैसे ऑटोमेटिकली डबल सेंसिंग दे रही है, जिससे कस्टमर को ये खोलने में बहुत आसानी होगी। नॉर्मली सेंसिंग पॉइंट है। इसमें जो रेडिएटर दिया है कंपनी ने, इसमें जाली लगा के दे दिया ताकि किसान भाइयों को धूल मिट्टी से बचाया जा सके। और किसान भाइयों को इसमें ऑटोमेटिकली ये दिया है ड्राफ्ट, जो PCDC काम करते हैं, पोजीशन कंट्रोल एंड ड्राफ्ट कंट्रोल, कंपनी ने इसमें ऑटोमेटिकली उठाने में या नीचे गिराने को इम्प्लीमेंट्स काम आता है। इसमें जो अपना PTO HP मिलेगा वो 42 HP का मिलेगा। इसमें आपको रिवर्स PTO भी मिल जाएगा, लाइव PTO भी मिल जाएगा, ग्राउंड स्पीड PTO भी मिल जाएगा, और नॉर्मल PTO भी मिल जाएगा, और मल्टी स्पीड PTO के साथ कंपनी ने 5 फॉरवर्ड PTO के साथ दे रखा है। तो जितना आसानी से आप इंजन खोलते हो उतने ही आसानी से आप इसको लगा सकते हो। तो अब चलते हैं अपन ट्रैक्टर के ऊपर। तो हम आ गए हैं ट्रैक्टर के ऊपर, तो आपको स्टीयरिंग भी फुल्ली पावर स्टीयरिंग मिलने वाली है। यहाँ बात करें ट्रैक्टर में डैशबोर्ड की, तो यहाँ पर इसका जो कितना RPM की स्पीड से ट्रैक्टर चल रहा है, इसमें फ्यूल कितना पड़ा है टंकी में, हर चीज़ आपको यहाँ डैशबोर्ड पर शो होने वाली है। बात करें इस ट्रैक्टर की तेल की टंकी की, तो आपको इसमें बड़ी सी 65 लीटर की तेल की टंकी देखने को मिलने वाली है। इसकी जो क्लच, ब्रेक वगैरह जो एक्सीलेटर है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहने वाले हैं, आसानी से बच्चा भी इस ट्रैक्टर को चला सकता है। बात करें यहाँ पर चाबी लगाने की सुविधा दी गई है, और घुटने और ट्रैक्टर के बीच में अच्छा खासा गैप रहने वाला है, तो किसान भाई चलाए तो उनके घुटने ट्रैक्टर पर टच ना हो। इसकी चाबी दिखा देता हूँ मैं एक बार। इसकी तो कुछ ऐसी चाबी होने वाली है, आपको जो चाबी भी है थोड़ी अलग देखने को मिलेगी, नॉर्मल ट्रैक्टर की चाबियों की तरह नहीं मिलने वाली है। एक बार मैं थोड़ा साउंड वगैरह ट्रैक्टर चला के आपको थोड़ा दिखाता हूँ। बात करें ट्रैक्टर में गियर की, तो आपको दोनों साइड गियर सिस्टम देखने को मिलेगा, इतना मिलेगा लो, हैवी और मीडियम। पहले इस ट्रैक्टर की जो सेगमेंट थे इसमें आपको मीडियम गियर देखने को नहीं मिलने वाला था, लेकिन अभी सोनालिका ने फिलहाल मीडियम गियर भी दे दिया है, और इस साइड मिलेंगे आपको 4 गियर 4 फॉरवर्ड और 1 गियर। टोटल इस बात करें इस ट्रैक्टर में गियर की, तो टोटल आपको होने वाले हैं 12 फॉरवर्ड और 3 रियर गियर इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। बात करें सीट की क्वालिटी की, तो सीट भी आपको एक शानदार सी कंफर्टेबल सीट देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर किसान भाई को पसीना ना हो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आपको देख सकते हैं एरोडायनेमिक सीट बनाई गई है, ताकि बैठने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। बात करें इसका मेन ब्रेक की, तो मेन ब्रेक आपको इसको यहाँ देखने को मिलेगा, आपको खींचना है और ऊपर करना है तो सिंपली मेन ब्रेक लग जाएगा। इसकी जो सीट है वो फुल्ली एडजस्टेबल होने वाली है, आप इसे आगे या पीछे अपने बैठने के हिसाब से कर सकते हैं। बात करें ट्रैक्टर की कीमत की, तो ट्रैक्टर आपको मंदसौर में जो सोनालिका का शोरूम है वहाँ पर आपको होने वाला है तकरीबन 8 लाख जो इस ट्रैक्टर की कीमत होने वाली है। और मैं इस जो नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, एक बार आके बात कर ले जो ट्रैक्टर के बारे में है जानकारी ले लें।